मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को चाहिए कि इमरान खान को थैंक यू का मैसेज करें। अच्छा, उसकी वजह बता। हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कि आज क्या तारीख है, 16 सितंबर 2021। 16 सितंबर 2020 पे रिवाइंड पे जाएं, रिवाइंड करें अपने आप। उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $42 पर बैरल थी। आज 16 सितंबर को हमारी पेट्रोल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में $75, 80% का इजाफा हुआ। कितना? 80% का। और पिछले साल जब $42 का वो था, पेट्रोल था, तो हकूमत पाकिस्तान में 103 रुपए का जो है, 103.97 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रही थी। कल जो हमारी कीमत बढ़ गई हुई है वो हुई है 123.30 रुपए। ये कुल मिला के 18.5% का एक साल में इजाफा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है वो 80% का हुआ है। तो आपको इमरान खान का थैंक यू करना चाहिए कि अगर वो 80% पूरा बढ़ा देते तो आप 190 का पेट्रोल लेते। अच्छा, अगर 190 का भी लेते ना तो आप बहुत सस्ता लेते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो अभी निकली नहीं है, उसमें बहुत सारा काम किया मैंने। 245 रुपए लीटर इंडिया में है पेट्रोल, बांग्लादेश में 175 रुपए लीटर पेट्रोल है। दुनिया के जो तेल पैदा करने वाले ममालिक और दुनिया के सबसे जो अमीर ममालिक, सऊदी अरेबिया 104 रुपए लीटर पेट्रोल है और दुबई यूएई 111 रुपए लीटर पेट्रोल है। हम बात ही नहीं करते ना यूरोप की, तो अमीर लोग हैं वो पैसे दे सकते हैं। अब ये पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्कों ने भी टैक्सेस लगा दिए हैं। और आपका वजीर आजम, आपको अभी मैं एक और बात बता दूं, पिछले साल जब 103 रुपए का पेट्रोल था ना, 28 रुपए पेट्रोलियम लेवी लेता था। कल जो आपकी पेट्रोल की कीमत आई है, 5.62 रुपए जो है ना पेट्रोल में जो है ना पेट्रोलियम लेवी ले रही है। इसके अलावा 17% सेल्स टैक्स फाइनेंस बिल ने इस हकूमत को जो है इजाजत दी हुई है, वो जो है 10.5% के हिसाब से ले रही है। तो ये हकूमत और आपका वजीर आजम अवाम को आलमी महंगाई से इस तरह बचा रहा है जिस तरह एक तेज तूफानी बारिश में मुर्गी अपने परों के नीचे चूजों को ले लेती है कि वो बच जाए और वो खुद